म्यूज़िकल फाउंडेशन ने आज एक बड़ा कार्यक्रम किया है और हर साल ये कार्यक्रम करते हैं और वहीं पर बहुजनों की एक आवाज़ बुलंद करने वाले एक यूट्यूब चैनल के संस्थापक केहरी सिंह सुमन जी हमारे साथ हैं। और आपने देखा होगा जब भी बहुजन समाज का कोई कार्यक्रम होता है तो वहाँ पर आप लोग SM न्यूज़ को ज़रूर देखते होंगे और यही SM न्यूज़ ने यहाँ पर लोगों के लिए खीर के प्रसाद की व्यवस्था यहाँ पर करी है जी। सबसे पहले आपका नीला सलाम न्यूज़ पे स्वागत है सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर बहुत जय भीम। लगातार आप लोग, मैंने हर बार देखा आप जिस प्रकार से मुखर होके SM न्यूज़ के माध्यम से बहुजन समाज की आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश करते हैं, साथ ही आपने आज यहाँ पे पंडाल भी लगाया हुआ है और साथ में यहाँ पे लोगों के लिए मीठे मिष्ठान की व्यवस्था भी की है जी। इसके आप ये जो आप कर रहे हैं किस विषय पर करते हैं? एक्चुअली हम लोगों के दो त्यौहार होते हैं, बहुजनों के सिर्फ दो त्यौहार होते हैं जिसको कहते हैं आज बुद्ध पूर्णिमा और दूसरा हमारा 14 अप्रैल, और यही हमारे महापुरुष हैं। जो आदमी इनके बारे में नहीं जानता है मेरे विचार से वो बहुजन नहीं है, और बहुजन होके हमको ये अपने दो त्यौहार बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि भगवान बौद्ध ने, और आज का जो ख़ास बात है, आज के दिन भगवान बौद्ध का जन्म हुआ था, आज के दिन पूर्णिमा के दिन ही ज्ञान प्राप्ति हुई थी, आज के दिन ही इनको अंतिम हुए थे। तो हम तीनों इनको लगा के, क्यों अभी तक ऐसा कोई भी महापुरुष पैदा नहीं हुआ है जिनके तीनों कर्म एक साथ हों। SM न्यूज़ हमेशा बहुजनों की आवाज़ को बुलंद करता हुआ आया है। लगातार हमने देखा है सड़कों पर कि पिछले लगातार कई सालों से SM न्यूज़ जाके बहुजनों की आवाज़ को बुलंद कर रहा है, उनके जो मुद्दे हैं उन्हें उठा रहा है। ये प्रेरणा आपको कैसे मिली, क्यों आपने एक न्यूज़ चैनल खोला उसको? एक्चुअली मैं भारत सरकार में रक्षा मंत्रालय में था और 2003 में मैंने रिटायरमेंट हो गया मेरा, आज मेरी 76 साल उम्र है। मैंने सर्विस के अंदर भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी बहुजन के लिए, जहाँ मेरा अच्छा पोस्ट था, जहाँ मेरा चला कि हाँ यहाँ पर बहुजन का कुछ दबाव डाला जा रहा है, तो मैंने हर समय उनकी मदद की है। उसके बाद मैंने ये सोचा कि मैंने सरकार में नौकरी की है, उसके बाद मुझे पब्लिक के अंदर भी, जनता के अंदर भी, जनता की आवाज़ भी सुननी चाहिए, और वो जनता की आवाज़ सुन मैं कैसे सकता हूँ, जनता की आवाज़ सुन के उसको हमने चारों तरफ बिखेरना है, उसको हमने, जब तक हम उसमें शामिल नहीं होंगे हम उनकी आवाज़ नहीं सुन सकते, हमने आवाज़ खुद निकालनी है और उनकी आवाज़ सुननी भी है। इसलिए हमने ये संस्था ये खोला है भाई, इसके थ्रू वैसे नहीं जा सकते, इंडिविजुअल हम नहीं बोल सकते, ये ऐसा पब्लिक है और ऑल ओवर वर्ल्ड है आपकी न्यूज़। इस समय आप जो कह रहे हो ये यहाँ पर नहीं जा रही, अकेले यमुना बिहार में नहीं है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड है। तो इसकी आवाज़, हमने बहुजनों की आवाज़ को ऑल ओवर वर्ल्ड हमने पहुँचा रहे हैं, वो एक माध्यम है ये आपका, आपका जो चैनल है ये बहुत बड़ा माध्यम है। अच्छा, आपकी उम्र से आप बहुत उम्र दराज लगते हैं, लेकिन आपका ये जो जोश है युवा वाला, ये कैसे लेकर आ रहे हैं आप? नहीं तो आपसे मिलता है जोश, तो आप जैसे साथ हैं तो आपका जोश मेरे में आता है, यही तो भगवान बौद्ध ने बोला था कि आप जिसके साथ रहोगे उस तरह ही आपको गुण मिलेंगे, तो ये तो आप जोशीले हैं तो मैं अपना भी जोशीला बन जाता हूँ। ये थे हैं हमारे साथ SM न्यूज़ के संस्थापक सुमन केहरी सिंह सुमन जी, और आपने इनकी बात को सुना ध्यान से और देखा आपने कितने जोश के साथ इन्होंने अपनी बातों, हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया। आप ये समझिए, एक बुज़ुर्ग युवाओं से भी ज़्यादा जोश के साथ लगातार सामाजिक कार्यों में संघर्ष कर रहा है। आप देखिए वो व्यक्ति हर जगह सोशल रिफॉर्म पर आपकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए सड़कों पे उतरता है, आपके लिए अलग अलग तरह की व्यवस्था करता है। ऐसे लोगों को हमेशा बहुजन समाज को सलाम करना चाहिए। इसी के साथ मैं सरदार बलविंदर सिंह, नीला सलाम न्यूज़ से धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।